मुझे उत्तर प्रदेश के खासकर दलित वर्ग के लोगों के ऊपर नाज है, गर्व है। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हालांकि इस मामले में मुझे उत्तर प्रदेश के खासकर दलित वर्ग के लोगों के ऊपर नाज है, गर्व है, क्योंकि पिछले चुनाव में तो बीजेपी और अन्य सभी पार्टियों ने किस्म किस्म के लालच देकर इनको खिचड़ी भी खिलाई, इनके घरों में भी गए, खाना खाया, इनके साथ कांग्रेस के नेता वो सर के ऊपर तसला रखकर वो मिट्टी और वो रोज मिट्टी या अन्य और सामान जो है तो वो भी लेकर खूब घूमे। बीजेपी ने खूब खिचड़ी खिलाई इनको, तो हमारे लोगों ने बोला खिलाओ जाओ खिचड़ी, खिचड़ी भी खाई, खूब इनके बीच में नाटकबाजी की, हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, दलितों के बीच में गए, पैसा भी बहुत फेंका, लोग बताते हैं, लालच दिया इनको और मीडिया के माध्यम से खूब इनके वो खिचड़ी भी इनको खिलाई, अपने साथ बैठाकर खुद भी खाई, इनको भी खिलाई, मतलब चाहे अपने घर से ही खिचड़ी बनाकर क्यों ना ले गए हों, दलितों के हाथ की बनी खिचड़ी इनको ज़्यादा पसंद नहीं होती है, तो लेकिन खिचड़ी भी खूब खाई। यही नाटक बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी खूब किया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि अभी तक यूपी में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे पिछला विधानसभा का आम चुनाव हुआ है, तो ये लोग इनके बहकावे में नहीं आए, बीजेपी के, कांग्रेस के, अन्य किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आए और एक तरफा अपना वोट इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को दिया। इसीलिए बीएसपी का जो हमारी चाहे सीटें कम थी पिछली बार विधानसभा के आम चुनाव में, सीटें जरूर कम हुई लेकिन वोट का प्रतिशत हमारा कम नहीं हुआ, हमारा वोट का प्रतिशत समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा था।